फ्रेंड स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप असिस्टेंट बॉल को यूज करेंगे, ये आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट बॉल की बात करें तो यहाँ पर आपको सेटिंग आपको दो बात आती हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग ओपन करना है, कन्वीनियंस टूल्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर असिस्टेंट बॉल का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको फिर से ऑन करेंगे। और इसको ऑन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये असिस्टेंट बॉल ये रहा। यहाँ पर अगर आपको बैक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो बैक। यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर गेस्चर ऑपरेशन का ऑप्शन है, आपको मान लीजिए इस तरीके से गेस्चर ऑप्शन यूज़ करना है तो यहाँ पर सिर्फ आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बैक होगा। सिर्फ बैक, ये बैक बटन का काम करता है ये असिस्टेंट बॉल। अगर इसमें आपको टैग मेनू ऐड करना है, मेनू में आपको स्क्रीन शॉट, स्क्रीन लॉक एंड मल्टीपल टास्किंग बैक बटन सब मिलता है आपको, तो इसको टैग मेनू यूज़ करना है आपको इसमें असिस्टेंट बॉल में, तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको टैग मेनू इनेबल करना होगा। सो फ्रेंड्स, फिर से आपको यहाँ पर आपको फिर से कन्वीनियंस टूल्स पर क्लिक करना है। ये कन्वीनियंस टूल्स फिर से इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको असिस्टेंट इसको बैक करते हैं, इसको बैक करेंगे। यहाँ पर फिर से आपके सामने असिस्टेंट बॉल ओपन होगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टैप मेनू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने बैक बटन, टेक स्क्रीनशॉट एंड यहाँ पर रिसेट टास्किंग का ऑप्शन मिल रहा है, लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा है। तो फर्स्ट है बैक बटन, आपको यहाँ पर बैक बटन भी यूज़ करना है तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसको बैक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे बैक बटन, तो ये रहा बैक बटन, स्क्रीनशॉट ये रहा। अगर यहाँ पर मल्टीपल टास्किंग की बात करें तो ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे मल्टीपल टास्किंग हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्रीन लॉक करना है, स्क्रीन लॉक पर क्लिक कर देंगे, स्क्रीन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये जो शॉर्ट का तरीका है ना, आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से आपको असिस्टेंट बॉल पर क्लिक करना होगा, फिर से यहाँ पर बैक करना, इस पर क्लिक करना है और स्क्रीन होम बटन को यूज़ करना है, इस पर क्लिक करें तो होम बटन का। तो ऐसा यहाँ पर बटन को हाइड करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट का तरीका, गेस्चर सेटिंग यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये असिस्टेंट बॉल सेटिंग, मान लीजिए आपको इसको कभी हटाना हो तो हटाना हो, फिर से आपको यहाँ पर स्क्रीन को क्या करना है, यहाँ पर इसे ऑफ कर लेना है तो ये हट जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था सेटिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।